सेंचन और चॉप, काफी ज्यादा देर हो गई है। मुझे तो लगता है कि अभी हम लोग को घर वापस जाना चाहिए। अरे नहीं, हाँ मैं ये वाली जगह बहुत ज्यादा ओपी है, हमें हम लोग रात यहीं पे गुजारेंगे। सेंचन तू पागल वागल हो गया क्या? रात हम लोग यहाँ पे कैसे गुजार सकते हैं? अरे मैं गुजार सकते हैं, देखो कितना ज्यादा ओपी व्यू आ रहा है, सामने माउंट चिलाड और बीच में समंदर है यार। हाँ मुझे पता है समंदर भी है माउंट चिलाड भी है, लेकिन चॉप तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम लोग यहाँ पे रात नहीं गुजार सकते, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है। लेकिन हमें वेपन की क्या जरूरत है, हमें आप हो ना हम लोग के साथ। सेंचन अगर तो यहाँ पे कोई चोर वोर आ गए तो फिर तुम लोग तो मरोगे साथ में, मैं भी मर जाऊंगा। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं कि चुपचाप यहाँ से वापस निकलते हैं। अरे नहीं, हमें हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हमें हम लोग रात यहीं पे गुजारेंगे। देख सिंचन, जिद मत कर, हम लोग को वापस जाना होगा, रात होने वाली है। और तुझे पता है कि जब यहाँ पे रात हो जाएगी तो काफी ज्यादा अजीबोगरीब जानवर भी यहाँ पर आ जाएंगे, और सिर्फ जानवर नहीं यहाँ पे चोर भी आ सकते हैं। ये वाली जगह हम लोग के घर से काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पे ज्यादा देर रुकना हम लोग के लिए सेफ नहीं है, तो मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। अरे नहीं, हमें पहले मैं स्विमिंग करूंगा। लेकिन सिंचन हम लोग के घर में स्विमिंग पूल है ना? लेकिन हमें आप तो यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हो। सिंचन मैं यहाँ पे इसलिए स्विमिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है। अरे वो स्विमिंग मुझे भी आती है यार। अबे चॉप, ये वाला पानी काफी ज्यादा डीप है, तुम लोग डूब वूब जाओगे, और इसके अंदर काफी ज्यादा मछलियां भी हैं। लेकिन हमें आज हम लोगों ने मछली पकड़ी नहीं। सिंचन हम लोग यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए नहीं आए थे, हम लोग बस यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे, और अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, फटाफट से मेरे साथ चलो। अरे नहीं, हमें मैं नहीं चलूंगा। ठीक है सिंचन, फिर तू यहीं पे रुक जा, मैं तो जा रहा हूँ घर। अरे हमें आप मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के जाओगे? मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ सिंचन, मगर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम लोग मेरे साथ वापस घर नहीं चल रहे हो तो मुझे अकेले जाना होगा। अरे यार हमें एक सेकंड वापस आओ। मुझे पता था यार सिंचन अकेला यहाँ पे नहीं रुकेगा। हाँ सिंचन बोल क्या हुआ? अरे यार हमदा मेरा मोबाइल फोन गाड़ी के अंदर रह गया, मुझे फटाफट से मेरा मोबाइल फोन दे दो। हैं ये क्या बोल रहा है? अरे हाँ हमदा मैं तो रात यहीं पे गुजारूंगा। अब मैं सिंचन और चॉप को किस तरह मनाऊं? आज के बाद मैं तुम लोग को कहीं पे भी बाहर नहीं लेके जाऊंगा। अरे वैसे मत बोला, हमें इतना ज्यादा ओपी मौसम है, हम लोग रात यहाँ पे गुजारेंगे, बहुत मजा आएगा यार। अबे चॉप, रात हम लोग अपने घर के अंदर गुजारेंगे। लेकिन हमें आसमान के नीचे सोने का बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा तो फिर तुम लोग एक काम करो ना कि हम लोग की घर की छत के ऊपर सो जाना। अरे वो छत के ऊपर पानी और माउंट चिलार तो नहीं दिखाई देगा ना यार? हाँ पानी और माउंट चिलार तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन तुम लोग स्टार्स देख लेना। अच्छा ठीक है अमित भैया, हम लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम लोग की एक शर्त है। अभी कौन सी शर्त है तुम लोग की? अरे भाई हम लोगों ने बोटिंग करनी है यार। बोटिंग करने का तुम्हें अभी रात को याद आया है? हम लोग सुबह से यहाँ पे बैठे हुए थे, तुम लोग मुझे सुबह बताते तो हम लोग यहाँ पे बोटिंग कर लेते, और यहाँ पे तो दूर दूर तक मुझे कोई भी बोट नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाई लेकिन मुझे दिखाई दे रही है यार। किधर है चॉप? अरे भाई वो दूसरी साइड पर है यार। अभी पानी की दूसरी साइड पर मैं कैसे जाऊंगा? अरे यार हमने वो देखो सामने ब्रिज है। एक तो यार गाइस सिंचन और चॉप को आज के बाद तो मैं कहीं पे भी अपने साथ नहीं लेके जाने वाला हूँ। अभी यार हमें आप हम लोग को बताओ कि आपको हम लोग की शर्ट मंजूर है या फिर नहीं? हाँ ठीक है मंजूर है मंजूर है, लेकिन हम लोग बोटिंग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पानी काफी ज्यादा डीप है और इसके अंदर शार्क्स भी होती हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि जब हम लोग घर वापस जाएंगे ना तो रास्ते में एक छोटा सा रिवर आता है, उस वाले रिवर के अंदर मैं तुम लोग को बोटिंग कराऊंगा। अरे मैं पहले प्रॉमिस करो यार। अभी प्रॉमिस तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है हमें, फिर हम लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम लोग से प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम लोग को रास्ते में बोटिंग कराऊंगा। अभी फटाफट से मेरे साथ चलो, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हमने आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? हाँ याद है, तुम लोग एक दफा गाड़ी के अंदर तो बैठो। फाइनली आ गए सिंचन और चॉप, मेरी बात मान चुके हैं, लेकिन अभी ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि रास्ते में मैं इन लोग को बोटिंग कराऊं। अरे आपने हम लोग से प्रॉमिस किया था, मत भूलना यार। ठीक है चॉप, तुम लोग फिक्र मत करो, मगर अभी हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। अरे हाँ भाई चॉप तो नीचे गिर गया। अबे चॉप तू ठीक तो है ना? अरे मैं क्या घंटा ठीक हूँ, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती यार। अच्छा एक काम करके चॉप गाड़ी के अंदर आके बैठ जा। एक तो आ गया चॉप को गाड़ी में बैठना आता नहीं है, ऊपर से ये मुझे बोलता है कि मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है। अरे भाई इतनी बुरी तरीके से आपने मुझे गिरा दिया था, इतना खतरनाक तरीके से गाड़ी कौन चलाता है यार? एक सेकंड चॉप, ये लोग कौन है? अरे हाँ भाई ये तो गुंडे हैं, इसीलिए मैं तुम लोग को बोल रहा था कि यहाँ पे रात को रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं मानते हो। लेकिन हमें आपने बोला था कि रास्ते में रिवर आता है, और हमें रिवर तो आ गया। रिवर तो आ गया है। अरे भाई जल्दी से हम लोग को यहाँ पे नीचे लेके जाओ यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम लोग को नीचे तो लेके जाता हूँ, लेकिन देखो हम लोग के पास कोई बोट है नहीं। अब अगर तुम लोग की किस्मत में बोटिंग लिखा हुआ हुआ तो हम लोग को बोट मिल जाएगी, लेकिन अगर हम लोग को बोट नहीं मिली तो फिर हम लोग घर जाएंगे। अरे भाई ऐसे कैसे घर जाएंगे, आपने हम लोग से प्रॉमिस किया था कि आप हम लोग को बोटिंग कराओगे यार। अच्छा अच्छा ठीक है चॉप, यहाँ कहीं पे बोट होनी तो चाहिए, मगर मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ भाई इसका मतलब कि आपने हम लोग से झूठ बोला था। अबे नहीं नहीं सिंचन, झूठ नहीं बोला था, यहाँ पे बोट होती तो है, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हूँ। धीरे धीरे रात होती जा रही है और सिंचन और चॉप ने इस टाइम बोटिंग करनी है। अब यार गाइस मैं इन लोग को क्या ही बोलूं? ये देखो माउंटेन लायन भी यहाँ पे घूम रहा है, और तुम लोग बोल रहे थे कि रात हम लोगों ने यहाँ पे गुजारनी है। जंगली जानवर तुम लोग को खा जाते तब तुम लोग को पता चलता, लेकिन हमें माउंटेन टाइगर्स तो मेरे दोस्त हैं। हाँ सिंचन, सारे के सारे एनिमल्स तेरे दोस्त ही होते हैं। जिस दिन तेरे ऊपर अटैक करेंगे तब मैं तुझसे पूछूंगा कि तेरा दोस्त कौन है। अभी यहाँ पे भी बोट नहीं है, मैं क्या करूँ? सिंचन और चॉप देखो अभी तुम लोग मेरी बात मानो, हम लोग की गाड़ी आई होप यार गाइस यहाँ से निकल जाएगी। निकल गई, मानना पड़ेगा गाइस हम लोग की गाड़ी काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन सिंचन और चॉप देखो अभी तुम लोग मेरी बात सुनो, अभी रात के टाइम तो यहाँ पे कोई भी बोट नहीं है, लेकिन
सुबह के टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं, और मैं तुम लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल सुबह तुम लोग को बोटिंग के लिए यहाँ पर लेकर आऊंगा। लेकिन हमें आपने बताया कि हम लोग बोटिंग आज करेंगे, लेकिन सिंचन कैसे बोटिंग करेंगे, बोट है ही नहीं यहाँ पर। अरे भाई ये तो आपका काम है ना, आपने प्रॉमिस किया था हम लोग से यार। हाँ चौप, मैंने तुम लोग से प्रॉमिस तो किया था, लेकिन अभी बोट ही यहाँ पे नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। यहाँ पे वैसे नॉर्मली लोग बोटिंग के लिए आते तो है, मगर आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। लगता है कि रात काफी ज्यादा हो गई है इसलिए यहाँ पे कोई भी बोटिंग करने के लिए नहीं आया। मगर एक सेकेंड, अरे हमें आसमान में तारे चमक रहे हैं। सिंचन तारे को छोड़, मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा तारा दिखाई दे रहा है, और एक नहीं तीन तीन स्टार्स हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, क्या देख लिया आपने यार? पता नहीं चौप, आसमान में पता नहीं क्या ही हो रहा है, कहीं ये कोई UFO वगैरह तो नहीं है? अरे हमें ये देखने के लिए तो हम लोग को ऊपर जाना होगा। इतनी ऊपर हम लोग कैसे जाएंगे सिंचन, हम लोग के पास बोटिंग के लिए बोट नहीं है, तो ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का घंटा हम लोग के पास आएगा। एक काम करता हूँ कि मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करता हूँ, और अभी मुझे थोड़ा सा जूम इन करके देखना होगा। मगर वेट यार गाइस, ये क्या चीज है, आसमान में पत्थर और पत्थरों के नीचे ये लाइट्स निकल रही हैं। अरे भाई इस तरह की चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी यार। हाँ ना चौप, इस तरह की चीज तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखी है। एक सेकंड में जूम आउट करके तुम लोग को दिखाता हूँ। काफी ज्यादा ऊपर फ्लेम्स तो निकल रहे हैं, क्या बोलते हो चौप, जाके देखें क्या? अरे नहीं यार, हमें ये वाली जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग को बोटिंग करनी होगी। सिंचन बोटिंग को छोड़ो, मुझे तो लगता है कि इतनी ऊपर कोई ना कोई खजाना होगा। अरे भाई खजाना इतनी ऊपर कैसे हो सकता है यार? तो फिर यार चौप, हो सकता है कि ये किसी का सीक्रेट बेस हो। लेकिन हमें सीक्रेट बेस के अंदर से लाइट्स तो नहीं निकलती। तो फिर सिंचन ये UFO तो नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं ये क्या चीज होगी, हम लोग जाके देखते हैं। लेकिन हमें आपने बहुत है कि आप हम लोग को बोटिंग कराओगे। अबे सिंचन और चौप, तुम लोग को बोटिंग ही पड़ी हुई है। देखो मैं तुम लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि कल सुबह मैं तुम लोग को यहाँ पे बोटिंग के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन हमें आपने बहुत है कि हम लोग आज बोटिंग करेंगे। सिंचन बोटिंग करने को तो हम लोग आज भी कर ले, मगर हम लोग के पास बोट नहीं है, और रात के इस टाइम तो कोई शोरूम भी नहीं खुला होगा, नहीं तो हम लोग शोरूम से जाके बोट परचेज कर लेते। लेकिन मैं पक्का तुम लोग को कल बोटिंग कराऊंगा, अभी मुझे इस वाली चीज के ऊपर फोकस करने दो। अगर तो इस वाली जगह के ऊपर कोई ना कोई खजाना हुआ तो फिर सिंचन तू सोच हम लोग कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। चौप तू मेरे साथ चलेगा क्या? हमें मैं तो आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मैंने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी यार। यही तो मैं बता रहा हूँ चौप, इस तरह की चीज मैंने भी पहले कभी नहीं देखी है। फटाफट से हम लोग को ऊपर जाके देखना होगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए हम लोग को हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन चाहिए होगा। लेकिन हम लोग को हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा? हेलीकॉप्टर तो हम लोग को एयरपोर्ट से मिलेगा। जगह तो मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है, इस तरह की जगह पहले हम लोगों ने लॉस एंजेलोस के अंदर नहीं देखी है। और आसमान के अंदर से इतने ज्यादा फ्लेम्स, और सिर्फ फ्लेम्स नहीं यार गाइस, मुझे काफी ज्यादा पत्थर भी दिखाई दिए थे। ऊपर जाके हम लोग एक दफा तो चेक करने वाले हैं। अरे मैं ऐसा ना हो कि ऊपर ढेर सारे एलियंस हम लोग को मिल जाए, फिर तो हम लोग फजूल में मारे जाएंगे यार। हाँ वैसे आप ऊपर कोई एलियन भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं ना कि हम लोग ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस दूर से हम लोग देखेंगे कि ये वाली जगह अगर है कौन सी। अगर तो हम लोग को वो वाली जगह सेफ लगी फिर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को वहाँ पे लैंड करेंगे, और अगर वो वाली जगह सेफ नहीं हुई तो फिर हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। मगर एक दफा मैं ऊपर जाके देखने तो वालों की आखिर ये चीज है क्या। बट अभी ऊपर जाने के लिए मुझे चाहिए होगा हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर पता नहीं यहाँ कहीं पे किसी के पास होगा भी या फिर नहीं। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर तो आ चुके हैं, और सामने ऑयल वेल लगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे हेलीकॉप्टर का क्या काम है? अबे सिंचन, ये लोग जमीन के अंदर से ऑयल निकाल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पैसों वाला काम होता है ये, और इनके मालिक के पास हेलीकॉप्टर तो होगा, बट अभी मुझे ये नहीं पता कि इन लोग का ऑनर है किधर। एक काम करता हूँ कि सामने की तरफ जाके देखता हूँ, यहाँ पर एक बड़ी सी बोट खड़ी हुई है मगर हेलीकॉप्टर नहीं है। अरे हमें हम लोग को बोट मिल गया, अभी हम लोग बोटिंग करेंगे। अबे नहीं है सिंचन, किधर है बोट? अरे हमें बोट पीछे की तरफ है, हमें फटाफट से गाड़ी पीछे की तरफ लो। यार गाइस सिंचन ने बोट कहाँ से देख ली? मगर लकीली यार गाइस, ये वाली बोट पानी में चलने के काबिल नहीं है। अरे भाई चलेगी पानी में? चलेगी नहीं, दौड़ेगी यार। कैसे चलेगी चौप, इसके ऊपर काम हो रहा है, ये वाली बोट चलने के काबिल नहीं है। लेकिन हमें सामने एक और बोट है। किधर? ये छोटी सी लकड़ी वाली। अरे हाँ ना, हम लोग इसके ऊपर बैठ के बोटिंग करेंगे। लेकिन तुम लोग इसको चलाओगे कैसे, ये टूटी हुई है सिंचन, डुबा देगी तुम लोग को, साथ में मैं भी डूब जाऊंगा। फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो, क्योंकि अभी हम लोग को वो ऊपर की तरफ जाना है। इतनी ज्यादा लाइट्स निकल रही है, वो भी आसमान से, और वैसे भी मैंने तुम लोग से प्रॉमिस किया कि मैं सुबह तुम लोग को बोटिंग कराऊंगा, तो इसलिए अभी तुम लोग फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो, हम लोग को चाहिए होगा हेलीकॉप्टर। मगर वेट यार गाइस, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, इससे पूछता हूँ कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे मिलेगा क्या? हैं हेलीकॉप्टर? हाँ हेलीकॉप्टर, कभी सुना नहीं है क्या नाम? हाँ ना, नाम तो सुना है मैंने हेलीकॉप्टर का, लेकिन यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर नहीं है। अबे प्लीज मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगा। अबे बोला ना कि हेलीकॉप्टर नहीं है, पैसे देगा तो मैं तुझे मुक्का दूंगा। अबे सिंचन छोड़ इसको। अरे नहीं है, हाँ मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, हाँ मैं इसको ढेर सारे मुक्के मारूंगा। एक तो यार गाइस यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीज है, मैं इससे हेलीकॉप्टर का पूछ रहा हूँ और ये मुझसे फाइट कर रहा है। लेकिन हाँ मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अबे सिंचन नीचे करके अभी तो इसको लाते मार सकता है। सिंचन की हाइट यार गाइस काफी ज्यादा छोटी है ना, तो बड़े बंदों को मारने में सिंचन को दिक्कत होती है। और सिंचन आ जा फटाफट से, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हमें देखा, मैंने आपकी जान बचा ली। हाँ सिंचन, अगर तू ना होता तो मैं मर जाता, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ से फौरन से पहले निकलना है। हेलीकॉप्टर का कोई ना कोई बंदोबस्त तो हम लोग करके ही रहेंगे।
करेंगे। अरे हमें मुझे पता है कि हम लोग का हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा सिंचन? अरे हमें लॉस एंड्रोस के विलेज के अंदर एक एयरपोर्ट है, हमें उस वाले एयरपोर्ट के अंदर हम लोग का हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। हाँ वो नूबड़ा सा एयरपोर्ट। अरे हाँ हमें वो एयरपोर्ट तो नूबड़ा है मगर हमें उसके अंदर एक हेलीपैड है। ये तो मुझे पता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हेलीपैड है, और एक हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर होगा या फिर नहीं ये तो हम लोग को जाके पता करना होगा। वैसे एयरपोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग ने बस यहाँ से एक लेफ्ट लेना है और ये लेफ्ट साइड पे आ गया एयरपोर्ट का रनवे। अभी हम लोग फटाफट से जाके देखते हैं कि यहाँ कहीं पे कोई हेलीकॉप्टर है या फिर नहीं। आप लोग देख रहे हो गाइस पीछे अभी तक लाइट्स चमक रही हैं। फौरन से पहले मुझे ऊपर जाके देखना होगा कि ये क्या चीज है, मगर हेलीकॉप्टर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई मिलेगा हम लोग को यहाँ पे हेलीकॉप्टर मिलेगा यार। चाहता तो चौप मैं भी यही हूँ, बट गाइस हेलीकॉप्टर तो नहीं है यहाँ पर, मगर एरोप्लेन खड़ा हुआ है। अरे हमें लगता है कि आपको अपनी आंखों का इलाज कराना होगा। आंखों का इलाज क्यों? क्योंकि हमें वो सामने की तरफ हेलीकॉप्टर तो आपको दिखाई नहीं। अच्छा हेलीकॉप्टर है यहाँ पर, वाकई में मुझे दिखा नहीं, मगर हेलीपैड यहाँ पर है, हेलीकॉप्टर वहाँ पर है। एक काम करते हैं कि हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं हेलीपैड पर और हेलीकॉप्टर को लेके जाते हैं वो ऊपर की तरफ। अभी पता नहीं यार गाइस वो क्या चीज होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उस वाली जगह के ऊपर ढेर सारे डायमंड्स हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे ऊपर ढेर सारी डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई डायमंड या फिर गोल्ड की सुपर कार हो। अरे भाई क्या सपने देख रहे हो, फटाफट से जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। मुझे तो कोई यूएफओ लग रहा है यार। अबे नहीं नहीं जॉब यूएफओ नहीं है, मुझे तो कोई मैजिकल चीज लग रही है। फटाफट से हम लोग जाके देखते हैं। सिंचनो जॉब तुम लोग सही से बैठ गए हो ना? अरे हाँ मैं हेलीकॉप्टर तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। मगर चॉप तू किस तरह बैठा है? अरे भाई दो टांगे हवा पे, दो टांगे सीट पर है यार। ठीक है चॉप देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि नीचे गिर जाए, मगर मेरे पास वेपन्स नहीं है। अरे भाई वेपन्स की क्या जरूरत है यार? चॉप यार ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पे ऊपर कोई ना कोई एलियंस हो, या फिर हो सकता है कि मिलिट्री वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है। हम लोग के पास एटलीस्ट वेपन्स तो होने चाहिए। लेकिन यार हाँ हम लोग के पास तो वेपन्स है नहीं। यही तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, वेपन्स हम लोग के पास नहीं है, और धीरे धीरे रात भी होने वाली है। लेकिन ऊपर जाके तो मैं एक दफा देखूंगा कि यार गाइस आखिर ये चीज कौन सी है। काफी ज्यादा अजीबोगरीब लग रही है, और इसके अंदर से फ्लेम्स भी निकल रहे हैं, मगर हम लोग इसके ज्यादा करीब नहीं जाएंगे। अरे भाई जाएंगे हम लोग, बिल्कुल इसके अंदर जाएंगे यार। लेकिन जो आप ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई एलियंस वगैरह हो। अरे यार हमें फिक्र मत करो, मैं एलियंस के साथ दोस्ती करूंगा और फिर उनके साथ बोटिंग करने जाऊंगा। अभी सिंचन एलियंस के साथ बोटिंग करने जाएगा? अरे हाँ हमें, आपको मेरा प्लान कैसा लगा? तेरा प्लान तो सिंचन मुझे बिल्कुल भी ओपी नहीं लगा है, मगर अभी हम लोग ऑलमोस्ट सामने वाली जगह पर पहुंच गए। मगर वेट 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 ये क्या चीज है? अरे भाई ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड है यार। एक सेकंड चॉप, ये किस तरह का वर्ल्ड है? मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अरे हमें ये जगह तो मैजिकल है। हाँ ना सिंचन, जैसे मैं इसके ऊपर आया पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरी आंखों के सामने बन गया, और जैसे ही मैं यहाँ से दूर होता हूँ ये वाला वर्ल्ड गायब हो जाता है। इस वाले वर्ल्ड के अंदर कोई तो अजीब सी चीज है। अरे भाई मैजिकल वर्ल्ड लग रहे हैं मुझे यार। हाँ यार चॉप, ये तो मैं तुझे बता रहा हूँ, जैसे हम लोग इस वाले वर्ल्ड के अंदर जाते हैं ये वाला वर्ल्ड ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे हम लोग इससे दूर जाते हैं ये वाला वर्ल्ड गायब हो जाता है। पता नहीं इसके अंदर क्या ही होगा। हम लोग थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। दो हेलीपैड तो मुझे दिखाई दिए थे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंसान तो आते हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि आगे धीरे धीरे ये वाला वर्ल्ड बनता जा रहा है, दिखने में तो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है मुझे। एक काम करता हूँ कि हेलीकॉप्टर को पार्क करता हूँ बिल्कुल सामने की तरफ। अरे हमें यहाँ पर तो पुलिस वाला है। यही तो सिंचन मैं तुझे बता रहा हूँ, पुलिस वाला यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि गाइस ये कोई मिलिट्री बेस है, लेकिन हम लोग खैर अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे पार्क करते हैं, उसके बाद उतर के देखते हैं कि आखिर यहाँ पे है क्या चीज। अरे लेकिन जगह कितनी ओपी यार। चौप यार जगह तो नो डाउट देखने में काफी ज्यादा ओपी है, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस वाले सीक्रेट बेस को परचेस कर लेता, क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मली सीक्रेट टनल और सीक्रेट बंकर तो देखे होंगे, मगर गाइस ये पूरा का पूरा सीक्रेट बेस है और ये हवा में फ्लाई कर रहा है, काफी ज्यादा डिफरेंट चीज है। मगर अगर हम लोग यहाँ से नीचे जंप करेंगे तो हम लोग का कुछ भी नहीं बचेगा। अरे हमें, मैं पीछे से धक्का देके आपको नीचे फेंक दूंगा, फिर आप मुझे बताना कि आपका कुछ बचा या फिर नहीं। नहीं बचेगा सिंचन, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मेरे पास पैराशूट है सिंचन, अगर मैंने तुझे यहाँ से नीचे फेंक दिया तो फिर तेरा तो सचमुच में कुछ भी नहीं बचेगा। मगर वेट, ये किधर जा रहा है? अरे पर लगता है सिंचन को बहुत जल्दी है यार। आ जा चॉप, जल्दी तो मुझे भी है, लेकिन ये वाली जगह खतरे से खाली नहीं है। मुझे फटाफट से इस पुलिस वाले का वेपन चाहिए होगा। अभी सिंचन और चॉप तुम लोग बिल्कुल यहीं पे रुको, ये वाली जगह मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है। अरे बोले कि मुझे तो सेफ लग रही है यार। अबे नहीं नहीं चॉप, ये वाली जगह सेफ नहीं है, तुम लोग एक सेकंड यहीं पे खड़े रहो। मुझे सबसे पहले इस पुलिस वाले को पेलना होगा। ये लाइट लगा के पता नहीं क्या देख रहा है। अरे यार हमें लगता है कि डायमंड्स को ढूंढ रहा है। सिंचन एक सेकंड बिल्कुल चुप हो जा, मुझे संभल के जाके इसको करना होगा बेहोश। और गया, लगता है कि बेहोश हो गया। हाँ वैसे यार गाइस ये तो बेहोश हो गया है। अभी सबसे पहले मैं इसके वेपन्स को उठाता हूँ, लेकिन इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ पिस्टल था। अरे पिस्टल काफी है ना, आपको आरपीजी चाहिए क्या यार? नहीं नहीं चौप, पिस्टल भी ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी चुपचाप ऊपर ही खड़े रहो, मुझे सबसे पहले सारी के सारी जगह को देखना होगा। अभी तक तो
यहाँ पे जमीन ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जमीन खाली हो और अगर मुझे खाली जमीन मिल गई तो फिर मैं सीधा नीचे गिर जाऊंगा और अगर नीचे गिर गया तो फिर आकाश में बचूंगा नहीं। लेकिन यार हमें आपने बहुत है कि आपके पास पैराशूट है। संजय पैराशूट हेलीकॉप्टर के अंदर है, मेरी जेब में नहीं है। और अगर मुझे कुछ भी हो गया तो फिर तुम लोग हेलीकॉप्टर लेके नीचे आ जाना मुझे बचाने के लिए। अरे भाई यहाँ से नीचे गिर के आप कैसे बचोगे यार? चौप इस वाले वर्ल्ड के नीचे पानी, अगर मैं गिरूंगा भी तो पानी के अंदर गिरूंगा। तुम लोग प्लीज मुझे रेस्क्यू करने के लिए आ जाना, मगर मुझे अभी सबसे पहले इस वाले वर्ल्ड को देखना होगा। ये क्या बड़ी सी चीज है यहाँ पर? यूएफओ है यार गाइस, मुझे लगता है कि ये यूएफओ है, मगर यूएफओ की तरफ हम लोग जाएंगे बाद में। पहले मैं यहाँ पर इस वाली बिल्डिंग को देखता हूँ, देखने में तो काफी ज्यादा पुरानी है। और यार गाइस ये कोई मैजिकल प्लेस है, ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अभी यहाँ पर एक और पुलिस वाला खड़ा हुआ है, बिल्कुल इस तरह का पुलिस वाला मैंने वहाँ पे बेहोश किया था। तो फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक काम करता हूँ कि फटाफट से इसको भी बेहोश करता हूँ। क्या ये भी बेहोश हो चुका है? जगह यार गाइस काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे। अभी धीरे धीरे मुझे आगे की तरफ जाना होगा, थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन यार गाइस मुझे लगता है कि इस वाली जगह पर खजाना है, बल्कि नहीं यार गाइस खजाना यहाँ पर नहीं होगा, ये मुझे कोई हॉरर जगह लग रही है। आप लोग यहाँ पे लाइट्स को देख सकते हो कितनी ज्यादा पुरानी है, और ये वाली जगह भी ज्यादा नई नहीं लग रही मुझे। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर जाके देखता हूँ। बिल्डिंग तो काफी ज्यादा बड़ी है, अभी पता नहीं इसके अंदर क्या क्या काम की चीजें होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ, मगर वेट, अबे मैं 3 दफा इसको बेहोश कर चुका हूँ, ये दोबारा आ जाता है। पता नहीं यहाँ पे क्या ही हो रहा है, इस वाले वर्ल्ड के अंदर कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पर एक और हेलीपैड है, फटाफट से इस वाले हेलीपैड के ऊपर जाके देखता हूँ, मगर नहीं यार गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ से व्यू कितना ज्यादा ओपी आ रहा है। अगर तो ये वाला सीक्रेट बेस मेरा हो गया तो फिर यार गाइस आप लोग सोच सकते हो कि इस वाली जगह के ऊपर मैं अपना बेडरूम बनाऊंगा और फिर रात के टाइम बेडरूम से मुझे पूरा का पूरा लॉस सैंटोस दिखाई देगा। और सिर्फ लॉस सैंटोस नहीं, बैक साइड से मुझे माउंट चिलियार्ड दिखाई देगा। और सिर्फ माउंट चिलियार्ड नहीं, इस साइड से मुझे मिलिट्री बेस भी दिखाई देगा। काफी ज्यादा ओपी जगह है। लेकिन यार गाइस मजे की बात यह है कि यहाँ से सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं, हम लोग को यहाँ से पूरा का पूरा ओशन भी दिखाई देगा। एक तरफ पानी, एक तरफ माउंटेन, एक तरफ लॉस सैंटोस और दूसरी तरफ मिलिट्री बेस। काफी ज्यादा ओपी जगह है गाइस, फेवरेट है मेरी ये वाली जगह। इस वाले सीक्रेट बेस के ऊपर तो मुझे कब्जा करना होगा, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे और कौन कौन से लोग रहते हैं। घर तो काफी ज्यादा बने हैं और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि यार गाइस ये वाला सीक्रेट बेस आखिर है किसकी। मगर वेट यार गाइस यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, बल्कि नहीं यार गाइस ये तो वही पुलिस वाला है। 10 दफा मैंने इसको बेहोश किया, मगर यार गाइस ये फिर जिंदा हो जाता है। भूत भूत रहते हैं, मुझे लगता है कि यार गाइस यहाँ पे कोई भूत रहता है। फौरन से पहले इसको दोबारा बेहोश करता हूँ। आई होप कि यार गाइस अभी ये दोबारा नहीं उठेगा। अभी जल्दी से यहाँ से नीचे जाके देखता हूँ और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मगर इस वाली बिल्डिंग के नीचे क्या है? पार्किंग की जगह बना के रखी है। ओपी है यार गाइस, काफी ज्यादा ओपी है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सुबह भी होने वाली है। मैं फटाफट से पहले टाइम देख लेता हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी थोड़ी देर के अंदर सुबह हो जाएगी। मगर मुझे देखना है कि यार गाइस यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। जगह तो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है और मेरा पूरा प्लान है इस वाली जगह के ऊपर कब्जा करने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर रहें। इससे ज्यादा ओपी जगह यार गाइस कोई भी नहीं है। अरे भाई क्या मिला आपको यार? चौप यार 4-5 पुलिस वाले मिले थे और वो सबके सब एक जैसे थे। लेकिन आपने हम लोग से प्रॉमिस किया था कि आप हम लोग को बोटिंग कराओगे। हाँ सिंचन सुबह तो हो गई है, तो अभी हम लोग को फटाफट से तुम लोग के लिए बोट लेनी होगी और फिर बोट को लेके हम लोग सीधा जाएंगे रिवर पर। मगर 1 सेकेंड। हाँ भाई चाचा जी तुम पहले तो नहीं थे यहाँ पर, एकदम से कैसे आ गए? अरे बच्चे यहाँ पे मैं अकेला नहीं रहता, हर 1 सेकेंड में यहाँ पे नया बंदा जन्म लेता है। हैं? हर 1 सेकेंड में नया बंदा जन्म लेता है? हाँ बच्चे तुमने बिल्कुल सही बोला। मगर ये जगह है किस तरह की, ये किसने बना के रखी है? ये जगह लॉस सैंटोस के पुराने साइंसदानों ने बना के रखी है। हाँ साइंसदान बोले तो साइंटिस्ट। हाँ बच्चे साइंटिस्ट की जगह ये। मगर साइंटिस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ऐसे कैसे नहीं तुम मुझे बताओगे, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। अगर तो साइंटिस्ट यहाँ पे रहते हैं तो इस जगह के अंदर कोई तो खास बात होगी। मगर 1 सेकेंड, अबे तुम्हारे घर के पीछे क्या है? अरे क्या तुमने देख लिया क्या? हाँ मैंने देख लिया, मुझे बताओ तुम्हारे घर के पीछे क्या है? अरे बेटा उसके अंदर मत जाना। ऐसे कैसे मत जाना, मुझे बताओ कि वो क्या चीज है? अरे बेटा मैं बस इतना बोलूंगा कि उसके अंदर मत जाना। 1 सेकेंड रुको, मैं सिंचन और चॉप को बताता हूँ। अबे सिंचन और चॉप मुझे एक बहुत ज्यादा खतरनाक सी चीज मिल गई है। मगर वेट, चॉप सिंचन किधर है? अरे भाई सिंचन तो आपके पीछे पीछे आ रहा था यार। क्या बात कर रहा है चॉप? अरे भाई वाकई में सिंचन तो आपके पीछे आ रहा था, पता नहीं किधर चला गया यार। 1 सेकेंड यार गाइस ये रहा सिंचन, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अबे सिंचन इधर आ, मेरे साथ एक चीज दिखाता हूँ। लेकिन यार हाँ मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आपने मुझे बोटिंग तो कराई नहीं। कराता हूँ सिंचन, देखो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। लेकिन अभी सिंचन और चॉप तुम लोग यहीं पे रुको, तुम लोग के आने की जरूरत है ही नहीं। मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि वो क्या चीज है। मगर 1 सेकेंड ये बंदा दोबारा गायब हो गया। कुछ तो है इस वाली जगह के अंदर, कोई तो खास बात है। मगर मैं पहले जाके देखता हूँ कि पीछे क्या चीज है। इतना
ज्यादा स्मोक निकल रहा है इसके अंदर से, और ये क्या पैसे निकल रहे हैं? अबे यार गाइस, इसके अंदर से पैसे निकल रहे हैं और कलरफुल स्मोक निकल रहा है। काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीज है, पता नहीं क्या होगी। आप लोग क्या बोलते हो, मैं इसके अंदर जाऊं क्या? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके अंदर जाऊं और फिर मैं मर जाऊं। मगर वेट यार गाइस, सामने की तरफ एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था और उस वाले साइंटिस्ट ने हम लोग को बोला था कि पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब वो मुझसे ये वाली चीज छुपाना चाहता है। मगर मैंने इस वाली मैजिकल चीज का पता लगा लिया है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं इसके अंदर जाऊंगा उसके बाद मेरे साथ होगा क्या। या तो मुझे कोई ना कोई पावर्स मिल जाएंगी, या फिर हो सकता है कि मैं मर जाऊं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाऊं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मगर गाइस, मुझे रिस्क लेना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल से तो मुझे इसके अंदर जाना होगा। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्या करूं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। एक काम करता हूं कि सिंचना चौप से पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अबे सिंचना चौप, फटाफट से यहां पर आओ। अरे यार, आपने कौन सी चीज देख ली? एक सेकंड, तुम लोग यहां पर आओ तो सही, तुम लोग को भी दिखाता हूं। काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीज है। लेकिन यार मैं आपसे नाराज हूं क्योंकि आपने तो मुझे बोटिंग कराई नहीं। कराता हूं सिंचन, एक सेकंड यहां पर आ, पहले मैं तुझे एक चीज दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग बोटिंग के लिए भी जाएंगे। फटाफट से यहां पर आ जाओ। अरे यार मैं, इसके अंदर से तो बहुत ज्यादा पैसे निकल रहे हैं। सिंचन पैसे तो निकल रहे हैं, मगर तुम लोग इसके अंदर मत जाना। अरे भाई ये तो बहुत काम की चीज है यार। क्या बोलते हैं चौप, हम लोग इसको लेके चले क्या? लेकिन यार हम लोग इसको किस तरह लेके जाएंगे? यही बात तो मैं सोच रहा हूँ सिंचन, देख कितने ज्यादा पैसे निकल रहे हैं इसके अंदर से। तुम लोग एक काम करो, कोई बैग वैग लेकर आओ, हम लोग सारे के सारे पैसे बैग में भर के यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई मुझे तो ये कोई मैजिकल चीज लग रही है, इसके अंदर जाके देखता हूँ यार। अबे नहीं चौप, तू नहीं जाएगा, पहले इस वाली चीज को मैंने देखा है। अरे यार मैं इस वाली चीज के अंदर मैं जाऊंगा। ऐसे कहते तुम लोग जाओगे, लगता है कि यार गाइस मुझे इसके अंदर जाना होगा। मगर वेट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और गाइस ये क्या हो रहा है? अरे यार मैं, आप ठीक तो हो ना? सिंचन पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं बेहोश होने वाला हूँ। अरे यार मैं, आपको क्या हुआ? हमने, आप ठीक तो हो ना? हाँ सिंचन ठीक तो हूँ, मगर कुछ ज्यादा ही तेज चक्कर आ गए थे मुझे। लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि वो मैजिकल स्मोक किधर है? अरे यार मैजिकल स्मोक तो गायब हो गया है। गायब हो गया? अरे हाँ सारा मैजिकल स्मोक गायब हो गया। मगर यार आप ठीक तो हो ना? सिंचन चक्कर आ रहे हैं, मैं जरा खड़ा होके देखता हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बता के चौप किधर है? अरे यार हाँ मैं, चौप तो आपको देख के भाग गया क्योंकि चौप को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अच्छा ठीक है सिंचन, तू भी मेरे साथ चल, अभी हम लोग को यहाँ से वापस जाना होगा। वैसे भी यहाँ पे सुबह हो चुकी है, मगर एक सेकेंड ये कौन है? पता नहीं आ गया इस वाली जगह के अंदर क्या ही हो रहा है, मुझे फौरन से पहले यहाँ से निकलना होगा। अरे बेटा तुमने वो काम किया है जो कि आज से पहले किसी ने नहीं किया। हाँ चाचा जी, तुम बोल रहे हो क्या? हाँ बेटा मैं ही बोल रहा हूँ, जिस मैजिकल स्मोक के अंदर तुम गए हो, आज तक जो भी उसके अंदर गया है वो जिंदा बच के वापस नहीं आया। लेकिन तुम्हारी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, तुम मैजिकल स्मोक के अंदर भी गए और सही सलामत बाहर भी आ गए। क्या घंटा सही सलामत बाहर आए? मुझे इतने ज्यादा चक्कर आ रहे थे। अरे बेटा चक्कर वक्कर सब भूल जाओगे, जरा एक दफा वापस तो जाके दिखाओ। अच्छा वापस तो चला जाऊंगा, मेरे पास हेलीकॉप्टर है। अरे मैं बच गए क्या यार? हाँ चौप में बच चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी थोड़े थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे जल्दी से हम लोग को इस वाली जगह से निकलना होगा यार। हाँ ना चौप, ये वाली जगह कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब है। मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और वेट, अभी तो ये वाला बंदा यहीं पे बैठा था। अरे भाई कौन से बंदे की बात कर रहे हो यार? अबे चौप सामने चेयर पे तुझे बंदा नहीं दिखाई दे रहा था क्या? अरे मैं कब से इस वाली चेयर को देख रहा हूँ, ये वाली चेयर बिल्कुल खाली है यार। क्या बोल रहा है चौप, सामने बंदा बैठा हुआ था, ये देख। अरे भाई क्या देखो, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार। अबे नूबड़े चौप, सामने चेयर के ऊपर बंदा नहीं दिखाई दे रहा क्या? अरे भाई लगता है क्या पागल वागल हो गया, हम लोग को फौरन से पहले यहाँ से निकलना होगा यार। एक सेकंड चौप, लगता है कि तू पागल वागल हो गया है। सिंचन फटाफट से यहाँ पर आ जा। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। मगर एक सेकंड, यहाँ पर भी बंदा है। चौप तुझे सामने बंदा दिखाई दे रहा क्या? अरे भाई कहाँ है बंदा, कौन सा बंदा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है यार। अबे नूबड़े चौप, वो सामने वाले घर पे, एक सेकंड, पहले एक थे अभी दो बंदे कैसे हो गए? क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो यार गाइस यहाँ पे एक बंदा था, अभी एकदम से दो कैसे हो गए? सिंचन तू किधर है? और वेट यार गाइस, ये दोबारा आ गया, ये चाचा जी दोबारा आ गए। मगर पहले तो तुम्हारी दाढ़ी थी। निकलना होगा मुझे यार गाइस, फौरन से पहले यहाँ से निकलना है। सिंचन फटाफट से मेरे साथ चल। अच्छा ठीक है अमित भैया, अभी हम लोग बोटिंग करने जाएंगे। हाँ सिंचन बोटिंग कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये वाली जगह मुझे चाहिए नहीं यार गाइस, मैंने सोचा था कि मैं इस वाली सीक्रेट बेस के ऊपर कब्जा करूंगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए इस तरह की नूपुरी सीक्रेट बेस, मुझे चाहिए नहीं क्योंकि इसके अंदर भूत रहते हैं। अरे भाई कौन से भूत है यार? अभी चौप तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा, मगर मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस वाली जगह के अंदर भूत रहते हैं, अभी मुझे यार गाइस यहाँ से निकलना होगा। सिंचन और चौप फटाफट से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो। अबे सिंचन और चौप जल्दी करो, किस चीज का वेट कर रहे हो? अरे यार हमें, आपने ये कैसे किया? अबे सिंचन क्या किया मैंने, फटाफट से बैठो, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। अरे भाई एक सेकंड बाहर तो आओ यार। अभी क्या हो गया चौप, क्या देख लिया तुम लोगों ने? अरे हेलीकॉप्टर का कलर देखो यार। एक सेकंड चौप, ये तो डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। देखा बेटे, मैंने तुम्हें बोला था ना, अभी तो तुम्हारी जिंदगी सेट हो गई, जिस चीज को भी हाथ लगाओगे डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अबे क्या सच में? हाँ बेटा सच में, पता नहीं किस तरह तुमने उस मैजिकल स्मोक को सरवाइव कर लिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओगे
कभी तुम लोग यहाँ पे नजर आते हो, कभी तुम लोग गायब हो जाते हो। हम लोग भी तुम्हारी तरह इस वह जगह को देख के यहाँ पर ऊपर आए थे, लेकिन जब हम लोग मैजिकल स्मोक के अंदर गए तो हम लोग मर गए। तो ये क्या तुम लोग की आत्मा है? हाँ बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आत्माएं रहती हैं, और ये आत्माएं उन लोग की हैं जिन्होंने मैजिकल स्मोक के अंदर जाने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये कि मेरे पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। अरे भाई वाकई में हेलीकॉप्टर तो कितना ओपी लग रहा है यार, लेकिन मेरे पास ये वाली पावर्स कैसे आई? इन लोग के पास ये वाली पावर्स क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें आपके पास इन वाली पावर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ वैसे मुझे पहले भी इस तरह की पावर्स मिली है। मैं जिस चीज को भी हाथ लगाता था वो कभी पैसों में कन्वर्ट हो जाती थी, और फिर रिसेंटली मुझे ऐसी पावर्स मिली थी कि मैंने जिस चीज को भी हाथ लगाया वो चीज गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती थी, और उसके बाद मुझे एक ऐसी गन मिली जिससे मैं किसी भी चीज को शूट करता था वो पैसों में कन्वर्ट हो जाती थी। बट यार गाइस, आज मुझे मिल चुकी है डायमंड की पावर्स। मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊंगा वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे मुझे भी डायमंड का बना दो यार। चौप यार, क्या बोलते हैं, सच में बना दो क्या? अरे मैं मजाक करो यार। अच्छा, एक सेकंड, तुम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो, यहाँ पर मुझे किसी न किसी चीज को टच करना होगा, उसके बाद मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि मेरे पास डायमंड की पावर्स हैं भी या फिर नहीं। सबसे पहले इस वाली चेयर को, बल्कि नहीं, सामने वाले बंदे की आत्मा को टच करता हूँ, देखता हूँ कि यार गाइस डायमंड में कन्वर्ट होता है या फिर नहीं। अबे नहीं यार गाइस, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो बंदों को भी डायमंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आज का दिन यार गाइस हम लोग का सबसे ज्यादा ओपी दिन होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी से ही प्लान चल रहे हैं। अरे यार हमदा, क्या आपकी पावर्स काम कर रही है क्या? सिंचन, मेरी पावर्स 110% काम कर रही है। अगर तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड के अंदर, लेकिन अगर मैंने किसी व्हीकल को टच किया जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या फिर सुपर कार, तो वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी डायमंड के अंदर। अरे यार हाँ, इसका मतलब ये कि आज हम लोग डायमंड की बोट में बोटिंग करेंगे। डायमंड की बोट, सबसे पहले मैं तुम लोग को बोट दिलाता हूँ, उसके बाद तुम लोग जाके बोटिंग करो, मगर मुझे बहुत ज्यादा काम करने है। लेकिन बेटा ये पावर सिर्फ एक दिन के लिए काम करती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, टाइम देख लो। टाइम 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 क्या हो रहा है, फटाफट से टाइम देखता हूँ, 11:11 हो रहे हैं। ये पावर्स तुम्हारे पास रात के 12 बजे तक हैं। बना लो अपनी दुनिया जितनी बना सकते हो। मेरे पास 12 बजे तक टाइम है? 12 बजे तक टाइम बहुत ज्यादा होता है, तुम जितने पैसे बनाना चाहो बना सकते हो। तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। हाँ मेरी किस्मत तो चमक गई है। 11:11 हो रहे हैं, रात के 12 बजे तक का टाइम है मेरे पास। लेकिन यार हमें, आपने हम लोग से बोट का प्रॉमिस किया था। एक सेकेंड सिंचना चौप, सबसे पहले तो मैं तुम लोग को डायमंड की बोट दिलाता हूँ, उसके बाद तुम लोग ढेर सारी बोटिंग करो, रात को 12 बजे आके मैं तुम लोग को पिक करूंगा। लेकिन यार हमें, आप रात को 12 बजे तक क्या करोगे? सिंचन मुझे तो बहुत ज्यादा काम करने है। अरे मैं ऐसे कौन से काम करने, हम लोग भी करेंगे यार। नहीं नहीं सिंचना चौप, तुम लोग चुपचाप बोटिंग करो, उसके बाद जब रात को मैं तुम लोग को पिक करने के लिए आऊंगा तब तुम लोग मेरी गाड़ी देखना। अरे भाई ऐसी कौन सी गाड़ी होगी आपके पास यार? चौप यार पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है, बस मैं रात को 12 बजे तुम लोग को इसी जगह से पिक करने के लिए आऊंगा, और फिर उसके बाद तुम लोग मेरी डायमंड की सुपर कार देखोगे, और फिर जब तुम लोग हम लोग के घर चलोगे ना तो तुम लोग को हम लोग का घर घर नहीं दिखेगा, बल्कि हम लोग का घर तुम लोग को डायमंड दिखेगा। लेकिन यार हमें, हम लोग डायमंड के अंदर कैसे रहेंगे? अबे सिंचन कैसी बात कर दी तूने, डायमंड का घर होगा का मतलब है कि घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायमंड होंगे। बहुत कुछ सोच के रखा है मैंने, मगर तुम लोग की बोट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, और जब बोट यहाँ पे दिखाई नहीं देगी तो फिर उसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा? टाइम बहुत कम है मेरे पास। लेकिन यार हमें, आपने हम लोग से प्रॉमिस किया था कि आप बोटिंग कराओगे। बोट ही तो ढूंढ रहा हूँ कब से, मगर सिंचन बोट मिल नहीं रही मुझे। मेरे पास टाइम बहुत कम है, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे पास 12 बजे तक का टाइम है, और 12 बजे तक मैंने बहुत ज्यादा पैसे जमा करने, लॉस सैंटोस की सबसे महंगी डायमंड की गाड़ी परचेज करूंगा, उसके बाद भी मैंने काफी चीजों को डायमंड में कन्वर्ट करना है। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, मगर सिंचना चौप की बोट तो है ही नहीं यहाँ पर। एक काम करता हूँ कि सिंचना चौप, मैं तुम लोग को कोई बड़ी सी चीज डायमंड में कन्वर्ट करके देता हूँ, उसके बाद तुम उस चीज को सेल करके अपने लिए बोट ले लेना। अरे नहीं यार हां, आप हम लोग को बोट दिला के दो। अभी सिंचन बोट होगी तो मैं कुछ करूंगा ना, एक सेकंड, यहाँ पर एक बोट घूम तो रही है, लेकिन अभी चलती हुई बोट के ऊपर मैं हेलीकॉप्टर को कैसे लैंड करूंगा? अरे वो सामने भी एक बोट खड़ी है यार। हाँ ये वाली बोट ठीक है, पता नहीं किसकी होगी, मगर गाइस फाइनली हम लोग को बोट मिल चुकी है। अभी फौरन से पहले हम लोग को इस वाली बोट के ऊपर बैठना है। अरे आप भी हम लोग के साथ चलोगे क्या? नहीं नहीं चौप, मैंने बहुत ज्यादा जरूरी काम करने हैं, तुम लोग फटाफट से मेरे साथ आओ, मैं ये वाली बोट तुम लोग को डायमंड में कन्वर्ट करके देता हूँ, उसके बाद तुम लोग इस वाली बोट पर बोटिंग करो। दिखने में तो यार गाइस ये वाली बोट काफी ज्यादा ओपी लग रही है, लेकिन अभी मुझे इसको डायमंड में कन्वर्ट करना है। अबे हो गई, विश्वास नहीं आ रहा है गाइस, ये वाली बोट भी डायमंड में कन्वर्ट हो गई, कितनी ज्यादा ओपी लग रही है। अरे यार हाँ, मैं यहीं पे रुक जाओ, हाँ मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आजा सिंचन, मैं बस इसको एक दफा टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है। अरे मैं, मेरे लिए वेट करो यार, एक सेकंड चौप तेरे पास आ रहा हूँ, मगर पहले मुझे इस वाली बोट को देखना होगा। ओपी यार गाइस, काफी ज्यादा ओपी है, और पूरे के पूरे डायमंड की बनी हुई है। आप लोग देख लो कि यार गाइस शाइन कितनी ज्यादा ओपी कर रही है, मानना पड़ेगा बोट तो काफी ज्यादा ओपी है। आई होप यार गाइस ये क्रैश नहीं करेगी। अरे यार हां, अभी हम लोग को इसको रिवर्स करना होगा। सिंचन
रिवर्स तो हम लोग कर लेंगे और मुझे तो लगता है कि इसकी स्पीड भी कुछ ज्यादा ही तेज है। तुम लोग संभल के बोटिंग करना। लेकिन हम लोग के पास तो डायमंड की बोट है। हाँ, बोट तो हम लोग के पास डायमंड की है, मगर तुम लोग संभल के बोटिंग करना। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरा हेलीकॉप्टर किधर गया? वो रह गया है सामने की तरफ, मेरा हेलीकॉप्टर है। अरे ये क्या, डायमंड की बोट? हाँ डायमंड की बोट है। अरे हाँ, अभी तो सब लोग हम लोग की तारीफ करेंगे। हम लोग की नहीं, सिर्फ तुम लोग की, क्योंकि मुझे अभी बहुत जरूरी काम पर जाना है। तुम लोग इस वाली बोट को एंजॉय करो, मैं रात को 12 बजे तुम लोग से यहाँ पर आके मिलूंगा। अच्छा ठीक है, हमें आप बिल्कुल भी लेट मत करना। नहीं नहीं सिंचन, लेट नहीं करूंगा। मगर गाइस बोट मारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ओपी लग रही है, मुझे फटाफट से यहाँ से निकलना है। सिंचन और चॉप को मैंने डायमंड की बोट तो दे दी है, मगर गाइस अभी मुझे डायमंड की सुपर कार चाहिए, ढेर सारे डायमंड चाहिए, डायमंड का एरोप्लेन भी चाहिए और डायमंड का ये वाला हेलीकॉप्टर ज्यादा ओपी नहीं है। मुझे लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा महंगा हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसको मैं डायमंड में कन्वर्ट करूंगा। एक तो हम लोग के पास डायमंड की सुपर कार आ जाएगी, उसके बाद डायमंड का एरोप्लेन, फिर उसके बाद डायमंड का हेलीकॉप्टर और फिर डायमंड की SUV, डायमंड का टैंक, सारी की सारी चीजें आज हम लोग डायमंड की लेने वाले हैं। मगर सबसे पहले मैं तो सोच रहा हूं कि हम लोग को सिम्योन के पास जाना चाहिए। सिम्योन तुम कहां पर हो? हाँ मेटे, मैं तो अपने शोरूम पर हूं। अच्छा सिम्योन, तुम्हारे पास गाड़ियां कौन सी हैं? हाँ मेटे, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आई हैं, तुम एक दफा आकर देखो तो सही। ठीक है सिम्योन, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूं। सिम्योन ने हम लोग को बोला कि उसके पास काफी ज्यादा ओपी गाड़ियां हैं, फटाफट से जाकर देखते हैं सिम्योन के पास कौन सी गाड़ियां हैं। वो वाली गाड़ियां मैं परचेज करूंगा, उसके बाद मैं उनको डायमंड में कन्वर्ट करूंगा। मगर वेट, में पहले टाइम देख लेता हूं। एक सेकंड यार, का दिन के 2 बज रहे हैं, इतना ज्यादा टाइम गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। सिंचन और चौक की बोट ने पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे पास टाइम है। 2 बज रहे हैं और मेरे पास पावर्स होंगी सिर्फ और सिर्फ रात के 12 बजे तक। इसका मतलब ये कि मेरे पास 10 घंटे का टाइम है। फटाफट से मैं इसको यहां पे लैंड करता हूं। आई होप यार गाइस ये क्रैश नहीं करेगा। बल्कि वेट यार गाइस, क्रैश नहीं किया। मुझे लगा था कि टूट वूट जाएगा, मगर टूटा नहीं, क्योंकि डायमंड की चीज काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और डायमंड को तोड़ना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए ये वाला हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं किया। लेकिन अभी मुझे जल्दी से इसको यहाँ पे लैंड करना है और अभी जाके देखते हैं कि सिम्योन के पास आखिर कौन सी गाड़ी है। टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा है, तो मुझे जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है। फटाफट से जाके देखता हूँ कि सिम्योन के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। सिम्योन ने मुझे कॉल पे तो बोला था कि इसके पास बहुत ज्यादा ओपी गाड़ियां और वेट यार गाइस, ये तो लैम्बोर्गिनी है। मानना पड़ेगा यार गाइस, काफी ज्यादा ओपी गाड़ियां, मगर वेट, ये तो BMW M5 है, मेरी फेवरेट गाड़ी है, और ये भी कोई सुपर कार है। हाँ मेटे, तुमने आने में देर कर दी, मैंने तीनों की तीनों गाड़ियां इसको सेल कर दी हैं। हैं? सेल कर दी कितने में? हाँ मेटे, 10,000 करोड़ में सारी की सारी गाड़ियां सेल हो गई। 10,000 करोड़? तुमने आने में देर कर दी। हाँ मेटे सॉरी। अबे सिम्योन एक सेकंड रुको तो सही, मुझे पता है कि आ गया सिम्योन काफी ज्यादा लालची है। एक काम करता हूँ कि फटाफट से इसको ढेर सारे डायमंड्स देता हूँ। 10,000 करोड़ की इसने ये तीनों की तीनों गाड़ियां सेल की हैं, मैं इसको 20,000 करोड़ के डायमंड्स दूंगा। सबसे पहले इस वाली मशीन को डायमंड में कन्वर्ट करता हूँ। फाइनली यार गाइस, मशीन तो डायमंड्स में कन्वर्ट हो गई है और ये 3 डायमंड्स मेरे ख्याल से तो 1,000 करोड़ के होंगे। मगर मैं सिम्योन को बहुत ज्यादा पैसे देने वाला हूँ। एक काम करता हूँ कि इस वाली चीज को भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूँ। फाइनली यार गाइस, ये चीज भी डायमंड में कन्वर्ट हो गई। अभी क्या करूं? अभी एक काम करता हूं कि इस वाले जैक को भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूं। वेट यार गाइस, ये भी डायमंड में कन्वर्ट हो गया। अभी किस चीज को डायमंड में कन्वर्ट करूं? एक काम करता हूं कि यहां पर एक मशीन है, फटाफट से इसको भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूं। फाइनली यार गाइस, यहां पर भी डायमंड्स आ गए। अभी ये 3 डायमंड्स हैं 1,000 करोड़ के और यहां पर है 3, 6, 9 और 12, टोटल यहाँ पे 12 डायमंड्स हैं। इसका मतलब ये है कि 1,20,000 के डायमंड्स आ चुके हैं यहाँ पर। फटाफट से सिम्योन को बुलाता हूँ। सिम्योन एक सेकंड यहाँ पर आओ। हाँ मेटी, देखो मैंने गाड़ियाँ सील कर दी हैं। अबे एक सेकंड यहाँ पर आओ तो सही। हाँ मेटी, यहाँ पर क्या है? बताता हूँ, जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे टाइम देखना होगा। अबे नहीं यार गाइस, 7 बजने वाले हैं, टाइम बहुत कम है। सिम्योन ये देखो यहाँ पे कितने ज्यादा डायमंड्स हैं। हाँ मेटी, इतने ज्यादा डायमंड्स मेरे शोरूम के अंदर कैसे आए? ये सारे के सारे डायमंड्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अभी मुझे तुम्हारी ये तीनों की तीनों गाड़ियां चाहिए। मेटी, इतने डायमंड्स में तो तुम मेरा शोरूम भी खरीद सकते हो। लेकिन मुझे तुम्हारा शोरूम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ये तीनों की तीनों गाड़ियां चाहिए और छत पे मेरा डायमंड का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। तुम फौरन से पहले उस वाले हेलीकॉप्टर को मेरे घर की छत पे पार्क करो, मैं इन वाली गाड़ियों को खुद ही लेके जाता हूँ। ठीक है आमेटी, बाहर ट्रक खड़ा हुआ है। ठीक है सिम्योन, फटाफट से ट्रक में इन वाली गाड़ियों को लोड करता हूँ। लेकिन अभी ये वाली गाड़ियां यहाँ से तो नहीं निकलेंगी, तो मुझे ट्रक को घुमा के बैक साइड पर लेकर आना है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट से पहले इस वाले ट्रक को भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूँ। अबे यार गाइस, कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। हम लोगों ने ट्रक को भी डायमंड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी मुझे इसके अंदर अपनी तीनों की तीनों गाड़ियों को लोड करना है। ट्रक का साइज ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आई होप कि यार गाइस हम लोग की तीनों गाड़ियां इसके अंदर आ जाएंगी। फटाफट से इसको पार्क करता हूं यहां पर और अपनी तीनों की तीनों सुपर कार्स को इसके अंदर पार्क करके अपने घर लेके जाता हूं। मैंने उसके बाद और भी काफी ज्यादा काम करने हैं। सबसे पहले तो मैं इस वाली लैम्बोर्गिनी को डायमंड में कन्वर्ट करता हूं। ये तो पूरी की पूरी गाड़ी डायमंड में कन्वर्ट हो गई। अभी इस वाली BMW को भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूं। ये वाली BMW भी ओपी लग रही है। अभी यहां पे अंधेरा है तो आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा।
होगा। जब मैं इन वाली गाड़ियों को बाहर निकालूंगा तब आप लोग देखना है कितनी ज्यादा ओपी शाइन करती है। मगर मुझे इस वाली गाड़ी को भी डायमंड में कन्वर्ट करना है। फाइनली यार गाइस ये वाली गाड़ी भी डायमंड में कन्वर्ट हो गई है। फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी को बाहर निकालता हूँ। मुझे ये तो पता है कि ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा ओपी शाइन करने वाली है। एक दफा बस मुझे इसको बाहर निकालना है। तो यार गाइस अभी आप लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है हम लोग की लैम्बोर्गिनी, पूरी की पूरी डायमंड की बन चुकी है। लेकिन मुझे अभी इसको ट्रक के ऊपर लोड करना है। अभी फटाफट से दूसरी गाड़ी को बाहर निकालता हूँ। हाँ मेटी डायमंड्स तो असली है। हाँ मुझे पता है डायमंड्स असली है। अभी बारी है इस वाली BMW को बाहर निकालने की। दिखने में तो यार गाइस बिलीव मी काफी ज्यादा ओपी है ये वाली BMW। यार गाइस मुझे लैम्बोर्गिनी से भी ज्यादा ओपी लगती है। अभी फटाफट से इसको भी ट्रक के ऊपर खड़ा करता हूँ। मगर नहीं यार गाइस मैं इसको खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगा। सिमियन तुम एक काम करो कि मेरी तीनों की तीनों गाड़ियों को मेरे घर लेके पहुंचो और तुम्हारे शोरूम की छत के ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर भी है उसको भी लेकर आ जाओ। ठीक है आमेटी मैं पहुंचा दूंगा। हम लोग की बाकी की गाड़ियों को तो सिमियन ले आएगा लेकिन इस वाली BMW को मैं खुद ड्राइव करने वाला हूँ। क्योंकि यार गाइस एक तो ये है बहुत ज्यादा फास्ट, ऊपर से ये दिखने में भी बहुत ज्यादा ओपी है। मैं आप लोग को इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये BMW M5 है। बिलीव मी यार गाइस ये काफी ज्यादा फास्ट होती है। लेकिन मुझे अभी और भी बहुत ज्यादा काम है। हेलीकॉप्टर भी चाहिए, डायमंड का प्लेन भी चाहिए और भी यार गाइस बहुत ज्यादा काम है। मेरे पास टाइम बहुत कम है। एक काम करता हूँ कि फटाफट से एयरपोर्ट की तरफ निकलता हूँ और एयरपोर्ट की तरफ हम लोग लेके जाएंगे अपनी ये वाली डायमंड BMW। मानना पड़ेगा गाइस काफी ज्यादा ओपी है और इसकी स्पीड भी तेज है, गोली की तरह भागती है ये वाली गाड़ी। मगर मैं इसको ज्यादा तेज नहीं चलाऊंगा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग की ये वाली गाड़ी क्रैश कर जाए। मगर लग गई गाड़ी हम लोग की, लग गई है। मगर गाइस ये क्रैश तो होगी नहीं क्योंकि डायमंड से ज्यादा स्ट्रांग चीज कोई भी नहीं होती है। इसकी टेल लाइट्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया है और इसकी फ्रंट लाइट्स तो मेरी फेवरेट है। फटाफट से अभी हम लोग को एयरपोर्ट जाना होगा। लेकिन एयरपोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है सामने की तरफ से। एक काम करता हूँ कि संभल के साइड साइड से निकालता हूँ अपनी गाड़ी को। अगर तो मेरी गाड़ी पे कोई भी गाड़ी लग गई तो फिर मुझे तो कुछ नहीं होगा, मगर गाइस सामने वाले की गाड़ी टूट जाएगी। एक काम करता हूँ कि यहाँ से शॉर्टकट मार के निकलता हूँ। बिल्कुल सामने की तरफ एयरपोर्ट है। मगर किसी बोट को भी कन्वर्ट करूँ क्या? बल्कि बोट तो ऑलरेडी मैंने सिंचा चौक को दे दी है। मेरे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करने हैं। एयरपोर्ट यहाँ से थोड़ा सा दूर है मगर हम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मगर वेट, मैंने यहाँ पर आप लोग को एक चीज दिखानी है, मेरी फेवरेट चीज है गाइस। आप लोग देख रहे हो वो इस वाली BMW की हेडलाइट्स हैं। काफी ज्यादा ओपी लगती है मुझे और इसकी टेल लाइट्स भी यार गाइस बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी हम लोग को फौरन से पहले यहाँ से निकलना है, टाइम बहुत शॉर्ट है हम लोग के पास। एयरपोर्ट बिल्कुल सामने की तरफ है, गाड़ी हम लोग की बहुत फास्ट है तो हम लोग को ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। फौरन से पहले एयरपोर्ट जाके देखता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन से एरोप्लेन खड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है एयरपोर्ट के अंदर प्राइवेट प्लेन्स तो खड़े हुए होते हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसी ना किसी प्राइवेट प्लेन को डायमंड में कन्वर्ट करके अपने घर ले जाऊं। लेकिन उसके लिए मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। मैं कहाँ पे फंस गया हूँ? शॉर्टकट मारने के चक्कर में यहाँ गाइस लॉन्ग कट मार लिया हम लोगों ने। एयरपोर्ट बिल्कुल सामने की तरफ है मगर बीच में पानी है, क्या करूं? मेरे पास टाइम बहुत कम है। मगर वेट गाइस मेरे पास एक प्लान है। अभी एक काम करता हूँ कि अपनी BMW को यहाँ से जंप कराऊंगा। बच गई यार गाइस, मुझे लगा था ये क्रैश हो जाएगी मगर बच गई। अभी मेरे पास प्लान ये है कि मैं अपनी BMW को यहाँ से जंप कराऊंगा सामने की तरफ। मगर आप लोग को दिख रहा होगा कि गाइस सामने की तरफ कोई भी जंप नहीं है। तो क्या हुआ, हम लोग के BMW के अंदर टर्बो तो है, तो यार गाइस लेट्स गो, आई होप कि हम लोग बाहर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए यार गाइस, फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। अभी सामने एक और पानी है और यहाँ से भी हम लोग निकल गए। मगर अभी तो मेरे ख्याल से हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे क्योंकि हम लोग दूसरी साइड पर तो आ गए हैं। धीरे धीरे रात भी होने वाली है। उस बंदे ने मुझे बोला था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रात के 12 बजे तक पावर्स होंगे। चंचन और चॉप को भी पिक करना है, बहुत ज्यादा काम करने है मैंने। इतनी मुश्किल से हम लोग को ये वाली पावर्स मिली है तो मैं तो इनको वेस्ट नहीं करूंगा। मगर अभी यहाँ पे रात हो चुकी है। खुल जा पे, ये वाला गेट खुल क्यों नहीं रहा है? मगर एक सेकंड, गेट तो खुल गया है लेकिन रास्ता ये गलत है। इस रास्ते से मैं नहीं जाने वाला हूँ। एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोग को सामने वाले रास्ते को चूज करना होगा जो कि है ये वाला रास्ता हम लोग को सीधा एयरपोर्ट के अंदर लेके जाएगा। खुल जा, टाइम बहुत कम है मेरे पास। जल्दी से इस वाले गेट को खुलना होगा, इतनी देर क्यों कर रहा है? अबे मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से खुल जाओ। खुल गया, फाइनली आ गया, गेट खुल चुका है। अभी मुझे फौरन से पहले ढेर सारे एरोप्लेन को डायमंड में कन्वर्ट करना है और देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर मिलता है या फिर नहीं। एयरपोर्ट के अंदर वैसे नॉर्मली हेलीकॉप्टर होते तो हैं। फटाफट से जाके देखता हूँ कि कोई हेलीकॉप्टर है या फिर नहीं। अगर तो हेलीकॉप्टर नहीं हुआ तो फिर मैं किसी बड़े जहाज को डायमंड में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये बड़े वाले जहाज खड़े तो हुए हैं लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए प्राइवेट प्लेन जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ एक बड़ा वाला एरोप्लेन खड़ा तो हुआ है लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। इसको तो मैं अपने घर के ऊपर खड़ा भी नहीं कर पाऊंगा। मगर वेट यार गाइस, एक प्राइवेट प्लेन तो हम लोग को मिल गया। जल्दी से इसको डायमंड में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद में बाकी के एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को ढूंढूंगा। देखते हैं कि ये डायमंड में कन्वर्ट होता है या फिर नहीं। एक सेकंड, हो गया क्या? अबे हाँ यार गाइस, ये डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है और अभी ये कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। मगर मुझे सिर्फ ही एक एरोप्लेन नहीं चाहिए, मुझे ढेर सारी चीजों को डायमंड में कन्वर्ट करना है। मगर यार गाइस टाइम में देख लेता हूँ, रात के 8 बज रहे हैं और मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे। लेकिन सामने की तरफ हेलीपैड पे जाके देखते हैं तो एक हेलीकॉप्टर तो हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग के
पास चॉइस का टाइम नहीं है, फटाफट से इसको डायमंड में कन्वर्ट करके देखता हूँ। मानना पड़ेगा यार गाइस, काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। गाड़ी तो हम लोग की ऑलरेडी डायमंड की है और ये वाला हेलीकॉप्टर भी डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है, मगर अभी हम लोग के पास टाइम कम है। सामने ये बड़ा कार्गो हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, देखते हैं कि ये डायमंड में कन्वर्ट होता है या फिर नहीं। एक सेकेंड यार गाइस, ये भी डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। हम लोग की किस्मत आज हम लोग का साथ दे रही है और इसके अंदर तो मेरी गाड़ी भी आ जाएगी। अभी फटाफट से मैं इस वाले एरोप्लेन को भी डायमंड में कन्वर्ट करके देखता हूँ। हो गया यार गाइस, ये भी डायमंड में कन्वर्ट हो गया। फटाफट से टाइम देखता हूँ, लगभग यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं, 9:30, 10:30, 11:30, 12। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 घंटे हैं। अभी 2 घंटे के अंदर मैंने बहुत ज्यादा काम करने हैं। ये तीनों के तीनों हेलीकॉप्टर तो मेरे हो चुके हैं और वो प्राइवेट प्लेन भी मेरा हो गया, लेकिन अभी मुझे और भी चीजें ढूंढनी है। एयरपोर्ट से बाहर तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मुझे जो भी ढूंढना है एयरपोर्ट के अंदर ही ढूंढना है। फटाफट से अपनी मस्त वाली BMW को निकाल के और चीजें ढूंढता हूँ। टाइम मेरे पास बहुत कम है, तो मुझे जो भी करना होगा जल्दी जल्दी करना होगा। एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियां हैं क्या कोई काम की? नहीं, वैसे ये तो सारे के सारे नॉर्मल गाड़ियां हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं वैसे आएगा, सारे के सारे नूबड़ी गाड़ियां हैं। मुझे चाहिए प्राइवेट प्लेन जो कि सामने वाले हैंगर के अंदर खड़ा तो होता है। अभी पता नहीं इस टाइम पर वो होगा या फिर नहीं। टाइम बहुत ज्यादा स्पीड से गुजर रहा है, लगता है कि मुझे अपने काम की चीज मिल गई। हाँ वैसे आएगा, यहाँ पे 3 एरोप्लेन खड़े हैं और ये तो US एयरफोर्स का है। सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डायमंड में। फाइनली यार गाइस, ये तो डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है। अंदर आप लोग को ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा ये डायमंड का हो जाएगा, क्योंकि अंदर शेड है। हम लोग की गाड़ी भी यहाँ से ब्लैक दिखाई दे रही है। अभी एक काम करता हूँ कि इसको भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूँ। हो गया यार गाइस, ये वाला एरोप्लेन भी डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है। फटाफट से इसको भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूँ। अभी एक काम करता हूँ कि फटाफट से इस वाले एरोप्लेन को बाहर लेके जाता हूँ, मुझे काफी ज्यादा काम करने है। मैं चाहता हूँ कि किसी बड़ी चीज को डायमंड में कन्वर्ट करूँ, मगर एक सेकेंड, ये सामने क्या चीज है? इतना बड़ा एरोप्लेन मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ वैसे आएगा, इतना बड़ा एरोप्लेन मैंने पहले कभी नहीं देखा। फौरन से पहले इसको भी डायमंड में कन्वर्ट करता हूँ, इससे पहले कि रात हो जाए। टाइम बहुत कम है मेरे पास। वेट यार गाइस, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, जल्दी से मुझे इसको डायमंड में कन्वर्ट करना है। मगर यार गाइस, ये तो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इतना बड़ा एरोप्लेन मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं ये डायमंड में कन्वर्ट होगा भी या फिर नहीं। एक दफा अगर ये वाला एरोप्लेन डायमंड में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम लोग को पैसों की जरूरत होगी नहीं। जल्दी से इसको टच करता हूँ। हो गया यार गाइस, फाइनली इतना बड़ा एरोप्लेन भी हम लोगों ने डायमंड का बना दिया है। जल्दी से टाइम देखता हूँ, तो यार गाइस टाइम गुजर गया। अगर तो मैं 1 सेकंड भी लेट होता तो यार गाइस ये वाला एरोप्लेन डायमंड में कन्वर्ट ना होता। मैं मिलता हूँ आप लोग से सुबह के टाइम। काफी ज्यादा धूप पड़ रही है, लगता है कि सुबह हो गई है। और हाँ यार गाइस, सचमुच में सुबह हो गई है। अभी आप लोग देख रहे हो कि यार गाइस डायमंड में ये वाला एरोप्लेन कितना ज्यादा ओपी लगता है, और पीछे बड़े वाले कार्गो एरोप्लेन को भी हम लोगों ने डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है। बिलीव मी यार गाइस, ये वाला एरोप्लेन काफी ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा एरोप्लेन मैंने लॉस सैंटोस के अंदर पहले कभी भी नहीं देखा, मगर मुझे ये नहीं पता कि हम लोग इसको फ्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। साइज में तो काफी ज्यादा बड़ा है, ट्राई करके देखता हूँ। एक सेकंड यार गाइस, जैसे ही मैंने इसका बटन प्रेस किया इस वाले एरोप्लेन का मुंह ऊपर निकल गया। काफी ज्यादा मस्त चीज है, हम लोग इसके अंदर भी जा सकते हैं क्या? मानना पड़ेगा यार गाइस, ये वाला एरोप्लेन तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, और इसके अंदर तो हम लोग पूरा का पूरा घर शिफ्ट कर सकते हैं। ओपी है यार गाइस, काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन मुझे अभी अपने इस वाले एरोप्लेन के अंदर सारी की सारी चीजें पार्क करनी है। सबसे पहले जाके देखता हूँ कि मेरी BMW किधर है। तो यार गाइस, मेरी मस्त वाली गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और हम लोग के 2 प्राइवेट जेट खड़े हैं यहाँ पर। मगर हम लोगों ने रात को हेलीकॉप्टर्स को भी तो डायमंड में कन्वर्ट किया था। जाके देखता हूँ कि वो खड़े हैं यहाँ फिर नहीं। और एक सेकेंड, ये वाला प्राइवेट एरोप्लेन भी हम लोगों ने डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं। तो गाइस, आप लोग देख रहे हो इतने कम टाइम में हम लोगों ने कितनी ज्यादा चीजों को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया है। और आप लोग बोल सकते हो कि मैं अभी लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन चुका हूँ, मगर अभी मुझे इन सारी की सारी चीजों को घर लेके जाना है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।